लोकसभा चुनाव 2019 के छठवें चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर पूजा अर्चना कर मतदान करने पहुंचे। ग्वालियर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद मतदान के लिए पोलिंग बूथ के लिए निकले, जहां उन्होंने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने के बाद मतदान किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। ग्वालियर से निकेश शर्मा की रिपोर्ट।